In this video lecture, we will discuss three important points. The first is what is genetic code. Second is the what are the properties of genetic code, and third thing is that what are the uses of genetic code. This genetic code jo is video lecture में हम लोगों को है. It is very important point. If you want to understand the process of transcription and translation, that is protein synthesis, and if you don't know the genetic code, it will be very difficult for you to understand. Protein synthesis. So, before actually going to this genetic code, we will start the part which is necessary to understand the genetic code, and that part is the mRNA molecule. So, we will start our video lecture. Myself, Rajeshivarevle, I welcome all of you to your YouTube channel Biology Evale, sir online classes. The first point regarding mRNA molecule is that this mRNA molecule इज अ सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल ए मोलिक्यूल ये जो यमआरएन ए मॉलिक्यूल है धीस यम आर एन ए मोलिक्यूल इज अ सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम द नेम ऑफ द एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज And the process of formation of mRNA from this DNA molecule, this process is nothing but this process is called transcription. Transcription. Second point this mRNA molecule is always linear single stranded and all nitrogenous bases are unpaired this is very important point regarding mrna molecule in case of mrna molecule this mrna molecule is linear do you डू यू नो द मीनिंग ऑफ लीनियर लीनियर का मतलब क्या होता है सपोज दैट इज दर एन ए मोलिक्यूल्ड एज लीनियर अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर ओके गॉट इट दिस एम आर एन ए मॉलिक्यूल इज लीनियर देन इट इज सिंगल स्टैंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल स्टैंड और सिंगल पॉलिन्क्टाइट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑल द नाइट्रोजिनस बेसिस जितने भी नाइट्रोजिनस बेसिस अनपेयर्ड रहेंगे अगर इसको अपने ड्रॉ कर लिया तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको सपोज दैट दिस इज दर एन ए मॉलिक्यूल लीनियर टू एंडस आर नॉट ज्वाइन टूगेदर दैट्स वाई इट इज लीनियर And all the bases, these are the nitrogenous bases. All these nitrogenous bases present in this mRNA molecule are unpaired. Okay. And if, remember this statement, if base pairing present in the nitrogenous bases of mRNA molecule, this mRNA molecule becomes biologically inactive. Kishtara se biologically inactive banega? अगर इसमें जो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगी ये जो पार्ट है आगे चल के जब म्यूटेशन का पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो अभी का इतना ही ख्याल में रखो कि मोलिक्यूल इज सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर एंड ऑल द नाइट्रोजिनस बेसिस आर अनपेयर्ड एंड इफ बेस पेयरिंग प्रेजेंट इन धीस एम आर एन मोलिक्यूल इट बिकम्स बायोलॉजिकली इनएक्टिव अब देखो ये जो आरएनए है यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिसकस्ड दिस पार्ट आरएनए कंसिस्ट ऑफ पॉली चेन और ये जो पॉली चेन रहती है आरएनए में इट इज ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ओके एंड पॉली चेन हैज दी पोलैरिटी इट मीन्स दैट इट हैज फाइव प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस ऑफ पॉली चेन इज ऑलवेज रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू प्राइम डिरेक्शन द सिक्वेंस ऑफ थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसेस इन अनदर वर्ड यू में से द सीक्वेंस ऑफ थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट ऑन यमारे मॉलिक्यूल इट्स कॉल्ड कोड ऑन ये जो सिक्वेंस है थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसेस का जो यम आर एन ए पे प्रेजेंट है दैट सिक्वेंस इज कॉल्ड एज कोडोन वॉट आर द आर कॉल्ड कोडॉन्स ये जो कोडॉन्स है उसमें से ये जो फर्स्ट सिक्वेंस है थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसेस का कहां पर फाइव प्राइमेंट को फर्स्ट बोल अगर मैं मैं आपको कहता हूं फर्स्ट इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट रीड कहां से करना है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फर्स्ट सीक्वेंस कहां पे आएगा फाइव प्राइम पे आएगा ये जो फाइव प्राइम पे जो फर्स्ट कोडॉन है थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस है इट इज ऑलवेज ए यू जी एंड दिस ए यूजी इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन एंड लास्ट कोडॉन प्रेजेंट एट थ्री प्राइम एंड ऑफ यम आर एन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन जो लास्ट कोडॉन प्रेजेंट है कहां पर प्रेजेंट है थ्री प्राइम एंड पर प्रेजेंट है यमर एन ए के धिस कोडॉन इज कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन में बी यू ए और यू ए जी और यू जी ए इन तीनों में से एक आर दी टर्मिनेशन कोडॉन्स यहां पर तीनों भी नहीं प्रेजेंट रहेंगे आयदर UAA और UAG जी और यू जी ए मैं यहां पे लिखता हूं UAA ये सीक्वेंस रहेगा ये कोडॉन रहेगा और UAG जी रहेगा और यू जी ए रहेगा तीनों में से एक कौन सा तो भी कोडॉन ये थ्री प्राइम एंड पे प्रेजेंट रहेगा एंड दैट कोडॉन इज कॉल्ड एस टर्मिनेशन कोडॉन अगर यहां तक आपको समझ में आया तो मैं आगे जाता हूं अब ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस वी हैव टू डिस्कस इन शॉर्ट टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक कोड कंसिडर दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यू नो दैट डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड

complementary to each other this nature five prime to three prime three prime to five prime is the anti parallel nature and these two strands are also complementary to each other it means that if you know the sequence of one strand we can easily find out the sequence of another strand consider the sequence of this strand is a c t a g c t a t c g a

C, G, and A, T. This is the sequence of another strand. Now, from this double stranded DNA molecule, we have to synthesize mRNA molecule. But this mRNA molecule is single stranded. Now, which is the enzyme participating here? RNA polymerase. अब देखो अब यहां पे आपको क्या सिंथेसाइज करना है यमआरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है दिस इज दी यमआरएनए मॉलिक्यूल एंड यू नो दैट दिस हैज़ एंड दिसमआरएन ए मोलिक्यूल वन थिंग, दिस आरएनए विच सिंथेसाइजेस आर एन ए मॉलिक्यूल

अब देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म करना है किससे फॉर्म करना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से फॉर्म करना है डीएनए में टू स्टैंड कितनी स्टैंड है सिंगल है तो होगा क्या ये जो दोनों में से एक स्टैंड को एक स्टैंड से ये हमारे ने मोलिक्यूल सिंथेसाइज होगा दोनों में से एक स्टैंड से आउट ऑफ दिस टू स्टैंड फ्रॉम वन स्टैंड मोलिक्यूल सिंथेसाइज अब देखो इसको सिंथेसाइज कौन से डायरेक्शन में करना है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में कौन करेगा आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा ओके okay. अब देखो और जिस ट्रेंड से सिंथेसाइज होगा उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज होगा और एंटी पैरल डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा अब देखो इसका थ्री प्राइम है तो यहां पे क्या आएगा फाइव प्राइम ओके गॉट इट अब इसको कैसा फॉर्म होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे टी है तो यहां पे क्या आएगा ए यहां पे जी है तो यहां पे क्या आएगा सी टी ये है तो यहां पे क्या आएगा टी लेकिन एक चीज यहां पे में रखो यू नो दैट केस ऑफ मोलिक्यूल द डिफरेंस इज दैट जहां जहां पे टी आएगा thymine आएगा उसके जगह आर एन ए में क्या आएगा यूरियाल आएगा ये सी है तो यहां पे क्या आएगा जी जी सी टी है ये है तो क्या आएगा टी टी इज रिप्लेस नेक्स्ट ए है, ये, ये का टी हो गया ये टी है टी का क्या आएगा ए आएगा ये है तो यहां पे कौन सा ऐड करेगा आरएनए पॉलीमरेज ये है तो टी ऐड करना चाहिए टी करेगा क्या नहीं करेगा टी इंस्टेड ऑफ टी इट विल ऐड यूरियाल जी सी C, G, T, and A. It is the mRNA molecule. Got it? Out of these two strand of a DNA molecule, mRNA molecule is synthesized from one strand. And the strand of DNA molecule from which mRNA molecule is synthesized, this strand. And this strand is called template strand. Remember this name. स्टैंड ऑफ डी एन ए मोलिक्यूल फ्रॉम विच आर एन ए मोलिक्यूल सिंथेसाइज इट्स एंडर स्टैंड ऑफ डीएनए टू विच दीक्वेंस ऑफ आर एन ए मोलिक्यूल सिमिलर इसका सिक्वेंस देखिए ए सी यू जी सी यू ए यू सी जी ए इसका क्या है ए सी टी जहां पे यूरासिल है वहां पर सिर्फ क्या आ गया था आ गया बाकी जो भी सिक्वेंस है ये स्टैंड को इसका सीक्वेंस कैसा है सिमिलर है गोट इट अब ये जो स्टैंड है जिसको यमारे का सीक्वेंस सिमिलर है दिस 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 कॉल्ड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड ये जो स्ट्रैंड है दिस इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन अपन लोग पढ़ेंगे तब इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम में आएगी तो अभी से ध्यान में रखो द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मोलिक्यूल फ्रॉम विच आर एन ए मोलिक्यूल सिंथेसाइज इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मोलिक्यूल टू विच द सीक्वेंस ऑफ आर एन ए मोलिक्यूल सिमिलर कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड यहां पर समझ में आया अब देखो ये आर एन ए मोलिक्यूल सिंथेसाइज क्यों करना है वट इज द फंक्शन ऑफ दिस आर एन एमोलिक्यूल उसके लिए आपको थोड़ा सा एक डायग्राम को समझना पड़ेगा सपोज दैट दिस इज अ सेल इन दिस सेल देर इज अलियस एंड दिस इज द साइटोप्लाजम इन दिस साइटोप्लाजम राइबोजोम्स आर देयर बट द यूनिट्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोजोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर सम आर द लार्जर सब यूनिट सम आर द स्मॉलर सब यूनिट दिज आर द रायोजोम्स एंड दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी सेल कौन सी भी सेल रहे हो उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन सेल को बनाना पड़ता है कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है धिस इंफॉर्मेशन इज टोवर्ड इन धिस डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल के पास इंफॉर्मेशन है किसकी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की अगर प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना इसका मतलब क्या होगा क्या होगा प्रोटीन सिंथेसाइज करना क्या होगा जो भी अमाइनो एसिड्स है अमाइनो एसिड्स को क्या करना है ज्वाइन करना है दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस वो प्रोडक्ट को क्या कहते हैं प्रोटीन कहते हैं द प्रोडक्ट इज प्रोटीन देखो अब क्या करना है इंफॉर्मेशन तो किसके पास है डीएनए के पास है लेकिन अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने का काम यह पार्ट करता है कौन सा राइबोसोम का फंक्शन है क्या करना पड़ेगा अब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा यह जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की मींस कौन से सिक्वेंस में अमाइनो एसिड ज्वाइन करना है दिस इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन लाइज इन डीएनए मॉलिक्यूल बट एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस प्लेस एट डी राइबोसोम, दैट्स वाई द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन डीएनए हैज टू बी कैरीड टू दिस राइबोसोम मॉलिक्यूल जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन के जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो इंफॉर्मेशन डीएनए से लेना है और किसको देना है राइबोसोम को ट्रांसफर करना है इसका मतलब क्या हुआ मीन्स यहां से मैसेज लेना है और वो मैसेज किसको ट्रांसफर करना है ये राइबोसोम को ट्रांसफर करना है और ये काम जो आरएनए मॉलिक्यूल परफॉर्म करता है दैट मॉलिक्यूल इज दर एन ए द नेम इट सेल्फ इंडिकेट इट्स फंक्शन वट इज द नेम एम आर एन ए लॉन्ग फॉर्म इज मैसेंजर आर एन ए मैसेंजर आर एन ए मीन क्या काम करेगा ये वट इज द फंक्शन ऑफ दिस एम आर एन ए मॉलिक्यूल दिस एम आर एन ए मॉलिक्यूल कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टू ए राइबोसोम Got it? अगर यहां तक का पार्ट आपके समझ में आया और जो part, ये जो लास्ट का पार्ट है तो अब जो पार्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है एक्चुअल पार्ट स्टार्ट करना है दैट इज दिन है कि जो पार्ट मैंने भी बताया है यह कुछ काम का पार्ट नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे जरूर आ सकते अब ये जेनेटिक कोड क्या होता है द इंफॉर्मेशन स्टोवर्ड इन दी डीएनए मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड टू राइबोसोम थ्रू दिस यमआरएन ए मॉलिक्यूल जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस की है वो डीएनए से ट्रांसफर होती है कहां पर ट्रांसफर होती है राइबोसोम के पास ट्रांसफर होती है अब देखो किस तरह से ट्रांसफर होती है उसके लिए एक छोटे से मैं डायग्राम बनाता हूं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूं ये समझ लो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल से क्या सिंथेसाइज हुआ यहां पर हमारे ने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ अब देखो ये इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से ली हमारे ने और ये हमारे ने इंफॉर्मेशन किसको देगा राइबोसोम्स को और राइबोसोम यहां की जो इंफॉर्मेशन है के पास की वो इंफॉर्मेशन रीड करेगा और ये अमीनो एसिड्स ज्वाइन करेगा किससे ज्वाइन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड से और वहां पे किसका फॉर्मेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ओके okay. अब देखो क्या होता है अब ये जो इंफॉर्मेशन है के पास जो इंफॉर्मेशन है सपोज दिसम आर एन ए मॉलिक्यूल लाइक दिस ए ए ए सी 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 टी टी नहीं रहेगा पे यू 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 ये सीक्वेंस है यमआरएन का।, का क्या सिंथेसाइज करना है प्रोटीन सिंथेसाइज करना है इसका मतलब क्या है ये जो राइबोसोम जो रीड करेगा वो क्या रीट करेगा वो ये जो राइबोसोम है राइबोसोम क्या रीड करेगा ये जो इंफॉर्मेशन है कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेगा और उसका कन्वर्शन उसका ट्रांसलेशन किस में करना पड़ेगा अमीनो एसिड में करना पड़ेगा इसका मतलब यह है धीस आरएनए एन मॉलिक्यूल आर ए डजेंट हैव द इंफॉर्मेशन ये हमारे ने के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है किसकी प्रोटीन सिंथेसिस की इसने नेम कैरी किया क्या नहीं आपको ग्लाइसिन अमाइनो एसिड ऐड करना है आपको फिलिन एलिन ऐड करना है आपको आर्जेन ऐड करना है जो कुछ भी अमाइनो एसिड ऐड करना है अमाइनो एसिड के नेम यहां पे आए क्या नहीं आए सीक्वेंस किस फॉर्म में आया न्यूक्लियोटाइट के फॉर्म में आए और ये जो न्यूक्लियोटाइट का सीक्वेंस है राइबोसोम क्या करेगा कन्वर्ट करेगा कौन से फॉर्म में अमीनो एसिड के फॉर्म में इट मींस दैट ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की ये इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है यम कैरी करता है कहा किसको ट्रांसफर करता है राइबोसोम को ट्रांसफर करता है लेकिन कौन से फॉर्म में ट्रांसफर करता है कोडेड लैंग्वेज के फॉर्म में एंड दैट कोडेड लैंग्वेज इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं वट इज जेनेटिक कोड द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरीड फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू द राइबोसोम थ्रू यम आर एन ए मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड इट नाउ द क्वेश्चन इज दैट अब देखो ये जो यमआरएन ए आपने कंसिडर कर लिया अब इस यमआरएन ए में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस आर तेर ओनली फोर टाइप्स विच आर दो फोर टाइप्स द फर्स्ट इज आइडेनिन, सेकेंड गॉनिन थर्ड साइटोसिन एंड यूरासिन कौन से फॉर्म में इंफॉर्मेशन है हमारे आर के पास नाइट्रोजिनस बेसिस के फॉर्म में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस आर फोर टाइप्स ए जी सी एंड यू एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आपने प्रोटीन्स कंसीडर कर लिए अगर प्रोटीन्स को कंसीडर करते हैं इन दिस प्रोटीन देर आर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर पार्टिसिपेटेड अगर प्रोटीन को कंसिडर किया तो प्रोटीन में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं ट्वेंटी किसको ट्रांसफर करेगा राइबोसोम को राइबोसोम किसको रीड करेगा ये सीक्वेंस को रीड करेगा और वो सीक्वेंस के जैसा सीक्वेंस रहेगा उस तरह से अमाइनो एसिड ज्वाइन करना स्टार्ट करेगा आप एक चीज समझ लो अगर समझ लो एक कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं वन वन नाइट्रोजिनस बेस मीन्स वन कोडॉन अभी तक अभी आपने बताया अभी अभी मैंने आपको समझाया ये जो इंफॉर्मेशन है कौन से फॉर्म में आई कोडेड लैंग्वेज के फॉर्म में और जो कोडेड फॉर्म का जो लैंग्वेज है उसको अपन क्या बोलते हैं कोडॉन्स कंसिडर करते हैं समझ लो अगर वन नाइट्रोजेनस बेस मींस वन कोडॉन तो वहां पर टोटल कितनी कोडॉन्स फॉर्म होंगे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोर इंटू वन हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी फॉर्म देअर विल बी मैं नीचे लिखता हूं वन इंटू फोर टोटल कोडॉन्स कितने फॉर्म होंगे ओनली फोर कोडॉन्स आपको कितने माइनसिड्स कोड करना है 20 अमाइनो एसिड्स कोड करना है इसलिए कम से कम कितने कोडॉन चाहिए 20 कोडॉन नेसेसरी है लेकिन अगर वन नाइट्रोजिनस बेस मींस वन कोडॉन अगर कंसिडर किया देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ओनली फोर कोडॉन्स अब दूसरा कंडीशन लेते हैं समझ लो ये एक अमाइनो एसिड ये एक नाइट्रोजिनस बेस है वन नाइट्रोजिनस बेस मींस वन अमाइनो एसिड अगर आपने इस तरह से कंसिडर कर लिया तो क्या होगा कितने अमाइनो एसिड्स यहां पे कोट किए जाएगा आउट ऑफ ट्वेंटी ओनली फोर अमाइनो एसिड अब क्या करना सेकंड कंडीशन में अगर ये टू सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसिस जो है इसका जो एक सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मींस वन कोडॉन अब देखो नाइट्रोजिन टू नाइट्रोजिनस बेसिस मींस वन कोडॉन अगर ये कंडीशन आपने कंसिडर कर ली तो टोटल कितने कोडॉन्स फॉर्म होंगे

नॉट इनअप टू कोट फॉर ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है द सीक्वेंस ऑफ थ्री नाइट्रोजिनस बेसपेयर सॉरी द सीक्वेंस ऑफ थ्री नाइट्रोजिनस बेसेस मीन्स वन कोडॉन एट दैट टाइम फोर इंटू फोर इंटू फोर देयर विल बी टोटल सिक्सटी फोर कोडॉन्स एंड दीज सिक्सटी फोर कोडो विल बी मोर देस ऑफ अमीनो एसिड समझ में जो प्रेजेंट है, है मोलिक्यूल पे ये कोडॉन थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसिस का ही सिक्वेंस क्यों है वन बेस का भी सिक्वेंस वन कोडॉन हो सकता था टू बेसिस का सिक्वेंस भी वन कोडॉन हो सकता था थ्री बेसिस का सीक्वेंस भी वन कोडॉन हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ अगर वन बेस का सीक्वेंस कोडॉन है तो क्या होगा देयर विल बी ओनली फोर कोडॉन्स यानी यू हैव टू कोड फॉर ट्वेंटी एम एसिड्स दैट्स दिस नंबर इज नॉट सफिशियंट टू कोड फॉर ट्वेंटी एमाइनो एसिड इन द सिक्वेंस ऑफ टू नाइट्रोजिनस बेसिस मीन वन कोडॉन देर विल बी ओनली सिक्सटी कोडॉन्स एंड दीज कोडॉन्स आर ऑल्सो नॉट सफिशियंट टू कोड फॉर 20 amino acid and if the sequence of three nitrogenous bases successive nitrogenous bases means one codon there will be total 64 codons and these 64 codons will be more than sufficient to code for 20 amino acids and that's why the codon is the sequence of three successive nitrogenous bases it means that codon is इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेड कौन से फॉर्म में कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में थ्री सक्सेसिव नाइट्रोजेनस बेसिस का सिक्वेंस मींस वन कोडॉन होता है यहां तक आपके समझ में आया और ये जो चीज है कोडॉन इज अ ट्रिपलेट कोडॉन दिस वाज़ प्रपोज्ड बाय वन साइंटिस्ट एंड दो साइंटिस्ट इज गैमो कौन सा साइंटिस्ट है ग्यामो साइंटिस्ट है दिस ग्यामो साइंटिस्ट प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन जेनेटिक कोड मीन क्या होता है ये जो कोडिंग लैंग्वेज है जेनेटिक कोड ये जो कोडिंग लैंग्वेज है पे, ये कोडिंग लैंग्वेज कौन से फॉर्म में है ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में दिस वॉज प्रपोज बाई दिस साइंटिस्ट दैट इज दामो यहां तक समझ में आया अब नेक्स्ट थिंग इज दैट ही ओनली प्रपोज दैट जेनेटिक कोड इज रिप्लेड किस तरह से प्रपोज किया मैंने अभी आपको बताया अब देखो इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था दिस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइडेड बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बाय थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए अब वो थ्री साइंटिस्ट कौन से है वो आपको याद रखना है द फर्स्ट वन इज Khorana, second is Nirenberg, and the last is Chao. These are the three scientists. Remember the names. The first one is the Korana, Hargovin Korana, second is the Nirenberg, and last is Chao. These are the three scientists which perform different experiments. To confirm that the genetic code is in the form of triplet codon, but this genetic code is the triplet. It was proposed by suggested by Gamo. There is one enzyme mentioned in your textbook regarding this scientist. This scientist used phospho nucleotide phosphorelates. एंजाइम का नाम याद रखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एंजाइम का नाम याद होना चाहिए कौन सा एंजाइम है न्यूक्लियोटाइड फॉस्पोन्यूक्लियोटाइड दिस एंजाइम वॉज यूज बाईस थ्री साइंटिस्ट ने यह भी कंफर्म कर दिया कि कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मेनी टोटल कोडॉन्स आर देयर सिक्सटी फोर कोडॉन्स आर देयर कितनी कोडॉन्स है 64 codons are there. Out of these 64 codons, only 61 codons. This is very important information. Only 61 codons codes for amino acids. Deco, out of these 64 codons, only सिक्सटी वन कोडोन्स कोड्स फॉर एक्चुअल अमीनो एसिड एंड हाउ मेनी कोडोन्स आर रिमेन ओनली थ्री कोडॉन्स आर रिमेन एंड दीज थ्री कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड कौन से भी अमीनो एसिड्स को कौन से कोडॉन ये आउट ऑफ 64 फोर थ्री कोडॉन्स कोड नहीं करते एंड दीज कोडॉन्स विच डू नॉट कोड फॉर एनियमो एसिड एंड दीज कोडॉन्स आर कॉल्ड नॉन सेंस कोडॉन ये जो कोडॉन है दिस कोडॉन्स आर नॉन सेंस कोडॉन एंड दीज का मतलब क्या होता है जिसको कुछ समझता नहीं सिंपल चीजें जो है समझता नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉन सेंस ये जो है इनको क्या कंसिडर कोडॉन्स का मतलब क्या है कोडॉन्स में किसको कंसिडर करना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए वन अमेनो एसिड्स को लेकिन ये जो थ्री कोडॉन्स है आउट ऑफ सिक्सटी फोर वो किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन कोडॉन जब हमने हमारे मॉलिक्यूल स्टडी किया था फिर से निकालता हूं it has polarity 5 prime and 3 prime 5 prime end the first codon which is present that is called as initiation codon and which was the initiation codon we already discussed in this in the same video lecture that is the aug and 3 prime end pe codon codon present termination codon and which were the termination codon we have studied the first is uaa or uag or uga ये तीनों में से एक जो कोडॉन है टर्मिनेशन कोडॉन है एंड दिस थ्री टर्मिनेशन कोडॉन दिस थ्री टर्मिनेशन कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स ये जो थ्री टर्मिनेशन कोडॉन्स है विच आर प्रेजेंट एट थ्री प्राइम एंड ऑफ हमारे मॉलिक्यूल एंड विच वे आर दो थ्री कोडॉन्स यू ए ए uag and uga these codons do not code for any amino acids and these codons are called as nonsense codon or they are also called as termination codon remember this point how many total codons are there 64 codons are there but out of these 64 codons only 61 codons codes for amino acids and three codons remember the names of these three codons the first one is UAA, second is UAG, and third is UGA. These three codons do not code for any amino acids, and that's why they are called as nonsense codon, and they are present at the three prime end of the mRNA molecule. So they are also called as termination codons. Now we will discuss the properties of genetic code. The first property of genetic code. Is that it is in the form of triplet codons? We already discussed that genetic code is in the form of triplet codon. Second property. The genetic code is non ambiguous or unambiguous. Now, what is the meaning of non ambiguous or unambiguous? It means that. वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड दिस नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड नॉन एम्बिगियस और अनएम्बिगियस नेचर अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं देखो मैं यहां पे एक कोडॉन लिखता हूं जी यू यू दिस इज वन ऑफ द कोडॉन एंड धीस कोडॉन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड दैट इज द दैलिन इट मींस दैट सपोज दैट दिस इज द सीक्वेंस ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन यमआर मोलिक्यूल And in this mRNA molecule, at that at this position, the codon is GUG. In protein, whatever the protein is synthesized at this position, the amino acid will be placed is the valine. Then suppose that these are the codons. Okay, here is one amino acid, another codon, this codon. Here again, this codon is repeated. For this codon, this is amino acid. And for this codon, again, there is a which type of amino acid? Valine is there. This is the valine. It means that one codon codes for only a specific type of amino acid. This nature of the genetic code is called as non-ambiguous or unambiguous nature. Next property is that third property. Genetic code is degenerative. Now, what is the meaning of degenerative? Genetic code is degenerative. Consider the same enzyme, same amino acid. That is the valine. For valine you know that the total codons are total codons are 64 but out of these 64 61 codon codes for amino acid and three codons do not code for any amino acid it means that these 61 codons codes for 20 amino acid. There are only 20 amino acids, but the codons are 61. It means that one amino acid is represented by more than one codon, and this nature of the genetic code is called degenerative nature. For example, this valine is one of the type of amino acid. For this valine, there are four codons. For example, GUU. Second is the GUG, second is the GUC, and third is GUA. These are the four codons, and all these codons code for valine. It means that this valine is the amino acid which is coded by. More than one codon, and this nature of the genetic code is called degenerative. These are very two important properties of genetic code. <coughs> the first one is the genetic code is non-ambiguous or unambiguous. What is the meaning of non-ambiguous or unambiguous genetic code? One codon codes for only a specific type of amino acid. And what is the degenerative nature of the genetic code? One amino acid is represented by or coded by more than one codon. Next is the. This genetic code has the polarity. Now, what is the meaning of polarity? Consider this mRNA molecule. Genetic code present on this mRNA molecule. This is 5 prime end and it is 5 prime end. Suppose that this is one codon. Here is the codon CCC. Here is codon UUU. U, U. Suppose that these are the codons. And if you want to read the codon, it is always read from 5 prime to 3 prime direction. And it means that the genetic code has the पोलैरिटी समझ में आया पोलैरिटी का मतलब क्या होता है ये जो जेनेटिक कोड है इट इज ऑलवेज रीड फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यहां से यहां रीड नहीं करना है कहां से रीड करना है थ्री प्राइम के तरफ उसको रीड करना है दिस नेचर इज कॉल्ड एस पोलैरिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज दैट दिस जेनेटिक कोड इज कॉमालेस and it doesn't have any punctuations now what is the meaning of comma -less or without punctuation for example this uh, consider a sequence of amino acid here the codon is like this ccc guu uuu guu this ये जो सीक्वेंस है मैंने यहां पे लिखा है एमआरएनए एमआरएनए का अब का सीक्वेंस सीक्वेंस अब में क्या होता है दिस इज वन कोडॉन दिस इज अनदर कोडॉन नेक्स्ट कोडॉन नेक्स्ट कोडॉन नाउ व्हाइल राइटिंग दिस कोडॉन हम लोग इसको जब पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं सी 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 देन जी यू यू आफ्टर दैट यू 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 नेक्स्ट जी यू यू लेकिन लिखते वक्त इनको क्या करना नहीं है इनके बीच में ऐसा कॉमन ही देना है या कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं करना है इसको थ्री थ्री के पेयर्स में पढ़ना है लर्न करना है रीड करना है लेकिन लिखते वक्त कोई भी पंक्चुएशन इन कोडॉन्स के बीच में आपको नहीं देना है दैट्स वाई जेनेटिक कोड इज कॉमालेस और विदाउट एनी पंक्चुएशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दिस जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड कैसा है नॉन ओवरलैपिंग है नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है अब देखो यही कोडॉन को आप कंसिडर करो ये वन कोडॉन हो गया सी सी सेकेंड कोडॉन इज जी यू अब देखो ओवरलैपिंग किस तरह से होता है आप सेकंड कोडॉन इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो सी सी जी थर्ड कोडॉन सी जी यू लेकिन इस तरह से कोडॉन ओवरलैप नहीं होते हैं इट इटमीन्स दैट जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दिस जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर द कोडॉन यू 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 धिस कोडॉन codes for amino acid that is the phenyl alanine the codon uuu codes for amino acid phenyl alanine organism conservero starting from bacteria to higher eukaryotes if there is a codon uuu this uuu codes for only फिन अमेनिन यानी इसका मतलब ये होता है ऑर्गेनिज्म कौन सा भी रहो इट मे बी दो प्रो कैरेटिकटिकलवेज रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ अमन एसिड फिनिल एल इट मीन दैट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट देर आर एक्सेप्शन इन सर्टन कंडीशन इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जाम्पल किस में माइटोकॉन्ड्रिया में एंड सम प्रोटोजो ये दिज आर द टू एक्सेप्शंस इन दिस कंडीशन द जेनेटिक कोड और स्पेसिफिक कोडॉन्स मेक कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड एंड दिज आर द प्रॉपर्टीज और सेलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड अब हमें देखना है कि ये जो 64 फोर कोडॉन्स है उसका जो चार्ट है 64 फोर कोडॉन्स का वो चार्ट किस तरह से बनाते हैं यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस यहां पर अपन कंसीडर करेंगे यहां पर सेकेंड नाइट्रोजिनस बेस और यहां पे कंसीडर करेंगे थर्ड नाइट्रोजिनस बेस ओके अब देखो जो सीक्वेंस लिखना है फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस का जो मैं लिखता हूं वही सिक्वेंस यहां पे कंटिन्यू करना है आपको यहां पे सिक्वेंस आएगा यू सी ए और जी। तीनों जगह भी यही सिक्वेंस आएगा कौन सा सिक्वेंस है यू सी ए जी यहां पर सिक्वेंस आएगा यू सेकंड भी कौन सी लेना है यू सी ए जी यहां पर एक थोड़ा सा करेक्शन है यहां पर क्या करना है हर एक बॉक्स में चार कंसिडर करना है कौन कौन से सबसे पहले कौन से होंगे यू सी और जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी इस तरह से आपको इसको कंसिडर करना है अब देखो अब कोडॉन्स किस तरह से डिजाइन करते हैं टोटल कोडॉन्स आर 64 किस तरह से 64 फोर कैलकुलेट किए थे आपको याद है 4 टोटल 4 4, कितने आए थे? 64. कुछ लोगों को पे समझ में नहीं आया होगा कि ये जो 64 है, किस तरह से 64 आते हैं अगर 33 का सीक्वेंस लिया है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग यहां पर अब देखो सबसे पहला 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 नाइट्रोजिनस बेस लेना है यू सेकंड लेना है यू अब इसका थर्ड लेना है कौन सा यू सेकंड कॉम्बिनेशन में इसमें ये बॉक्स में फर्स्ट यू सेकंड यू थर्ड सी थर्ड कौन सा आएगा यहां पे यू यू वहां पे ए नेक्स्ट यू यू जी ये बॉक्स में देखो किस तरह से आएगा यू सी देखो यू सी यू नेक्स्ट अब अब बताओ मुझे चलो यू सी सी नेक्स्ट यू C A next U C G इस तरह से आप कौन से भी बॉक्स में आप देख सकते हो ये बॉक्स को कंप्लीट करना है किस तरह से कंप्लीट करोगे G U U G U C G U A एंड G U G ओके okay? अब देखो ये बॉक्स को कंप्लीट करना है किस तरह से फर्स्ट कौन सा लेना है सी सेकेंड कौन सा है जी यहां से थर्ड उठा लेना है बाकी तो ये हर एक को कॉमन रहेंगे यही चेंज हो जाएगा सी जी सी सी जी ए सी जी जी गॉट इट इट मीन दैट इन दिस वे देर आर टोटल सिक्सटी फोर ये फोर है और ये फोर है फोर इंटू फोर और हर एक बॉक्स में कितने हैं फोर दैट्स वाई फोर इंटू फोर इंटू फोर टोटल कोडॉन्स आर 64 अब देखो आपने देखा था ये जो एग्जांपल है ये जो फोर कोडॉन्स है दिस कोडॉन्स आर ऑफ वैलिन कौन सा अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं वैलिन को है, फोर के फोर भी कोडॉन्स ऑल दिस कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड वैलिन अब ये जो कोडॉन देखा था ये ये दोनों भी समझ लीजिए आप दिस टू कोडॉन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड था िन और ये जो चार कोड फोर कोडॉन्स है दिस कोडॉन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड इस तरह से और ये भी कोडॉन जो है दिस कोडॉन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड ल्यूसिन ये जो कोडॉन है किसको रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूसिन को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए है, आपको समझ में आया कि टोटल 64 फोर कोडॉन्स का जो चार्ट है ये चार्ट आपको कौन से भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा लेकिन एक चीज आपको मैं जो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा

कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये किस तरह से रिकॉल करना है उसकी एक छोटी सी ट्रिक है वो ट्रिक आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था अगर ये आपको समझ तो में आया तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ